कई बार हम जंगली जानवरों को अपना पेट भरने के लिए एक दूसरे को जान से मारकर खाते हुए देखते हैं। ये अपना शिकार बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करते हैं, यानी पकड़ा, मारा और खा लिया। पर कई बार कुछ जानवर जब अपने शिकार को नहीं मार पाते या वो शिकार उनसे काफी बड़ा होता है तो उसकी बॉडी पर ये कई तरह से अटैक करते रहते हैं और उनके घायल होते ही जैसे ही वो जमीन पर गिरते हैं तो उनके जिंदा रहते ही उन्हें निगल लेते हैं। तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ही वीडियोस दिखाते हैं। एलिगेटर। एलिगेटर को शिकार के मामले में दौड़ना भागना पसंद नहीं है। शिकार से पहले ये एकदम शांत रहता है और जब ये धीरे धीरे अपने प्रे के पास पहुंच जाता है तब अचानक से उसे अपने मजबूत जबड़ों में जकड़ लेता है। जैसे इस क्लिप में ये एलिगेटर एक टर्टल को अचानक से अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। इसके बाद ये अपने नुकीले दांतों से टर्टल के शेल को टुकड़ों में तोड़ देता है और शेल में अंदर छुपे टर्टल के नर्म मांस को मजे से खा जाता है। जब एलिगेटर किसी को अपने दांतों से कसकर पकड़ता है तो उस पर 2125 PSI का प्रेशर लगता है। इतने प्रेशर के साथ एलिगेटर चाहे तो स्टील में भी छेद कर सकता है। इस क्लिप में एलिगेटर ने एक बोबकैट के सिर को अपने जबड़ों में पकड़ा हुआ है और इसे हवा में उछालकर जमीन पर पटक रहा है ताकि बोबकैट का सिर धड़ से अलग हो जाए। बता दें कि मगरमच्छों की तरह एलिगेटर भी पानी में किनारे पर छुपे रहते हैं और घात लगाकर अटैक करते हैं। इस क्लिप में सुअरों का झुंड पानी पी रहा होता है कि तभी पानी में छुपा एलिगेटर उस पर अटैक कर देता है और सुअर को पूरी ताकत से पानी में खींच ले जाता है और अपनी भूख मिटा लेता है। सीगल। सीगल काफी बहादुर और एरोगेंट टाइप के पक्षी होते हैं। ये विशेष तौर पर ठंडी जगह और समुद्री इलाकों में पाए जाते हैं। ये अक्सर ऐसी जगह पर रहते हैं जो इंसानों से भरी होती हैं, जैसे बीचेस और टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स। यानी इन्हें इंसानों से डर नहीं लगता और बात अगर खाने की करें तो इन्हें कुछ भी चल जाता है। देखिए इस क्लिप में सीगल एक कबूतर को पूरा ही निगल जाता है। सीगल अक्सर अपने प्रे के सिर को अपनी चोंच में पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें जमीन पर पटक पटक कर मार देते हैं और फिर पूरा निगल जाते हैं, जैसे इस क्लिप में ये खरगोश को मारने के बाद उसे निगल रहा है। ये वीडियो देखकर क्या आप सीगल की पाचन शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं? ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी चिकन को जिंदा ही खा जाएं। इस दूसरे क्लिप में भी सीगल एक कबूतर को अपनी चोंच में तब तक पकड़े रहता है जब तक कि कबूतर की जान न चली जाए। इसे अपने आसपास से गुजरते लोगों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑटर्स। ऑटर्स दिखने में तो काफी क्यूट और फ्रेंडली लगते हैं, लेकिन असल में ये जानलेवा जानवरों में से एक है। इस क्लिप में ऑटर्स का एक पूरा परिवार एक केमन का शिकार करने का प्लान बनाता है। केमन एलिगेटर के परिवार का सदस्य है। शिकार के लिए ये ऑटर्स सबसे पहले केमन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और काटने लगते हैं। इसके बाद जब केमन काफी घायल हो जाता है तो ये उसे खींचकर जमीन पर झाड़ियों में ले जाते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। ऑटर्स को फाइट करना बहुत पसंद होता है और अक्सर वो लड़ाई में जीत भी जाती हैं। अगर इनके क्षेत्र में कोई भी जानवर घुसने की कोशिश करता है तो ये उसे लड़ाई करके उसे मार देते हैं। जैसे इस क्लिप में ऑटर्स के क्षेत्र में गलती से ये हेरोन वर्ड आ जाता है जिसे एक अकेला ऑटर ही अपने धारदार दांतों से काट कर मौत के घाट उतार देता है। आपको बता दें कि हेरोन वर्ड ऑटर्स के एरिया में मछलियों का शिकार करके खाने की कमी पैदा कर सकते हैं, इसलिए ऑटर्स इन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। ऑटर्स शिकार के मामले में क्रूर होते हैं। कभी कभी तो ये अपने प्रे के साथ
साथ मौत का खेल खेलती हैं और उन्हें खूब तड़पाने के बाद ही मारती हैं, जैसे इस क्लिप में ये ओटर सीगल के साथ कर रहा है। ये सीगल को अपने दांतों में दबाकर बार बार अपने शरीर को पानी में रोल कर रहा है ताकि सीगल का दम घुटे। काफी देर तक ऐसे ही खेलने के बाद ये अंत में सीगल को मारकर खा जाता है। टाइगर। बात अगर खूंखार शिकारी की हो और टाइगर का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। आप जानते ही हैं कि टाइगर के पास शिकार करने के लिए मजबूत जबड़े, नुकीले दांत, मजबूत पंजे और तेज रफ्तार के साथ साथ और भी कई खतरनाक सीक्रेट वेपन्स होते हैं, और इन्हीं वेपन्स में से एक है टाइगर की जीभ। जी हाँ दोस्तों, टाइगर की जीभ पर नुकीले पॉइंट्स जैसी संरचना बनी होती है जो जानवरों के शरीर पर खरोंच लगाने के काम आती है। जब ये किसी जानवर के शरीर को अपनी जीभ से चाटते हैं तो उसकी ऊपर की स्किन से बाल निकल जाते हैं और शिकार का मांस दिखने लगता है और फिर ये अंदर के मांस का मजा ले पाते हैं। यही नहीं, इस कांटेदार जीभ से ये अपने शिकार की हड्डियों से मांस तक उधेड़ लेते हैं। कहा जाता है अगर एक टाइगर इंसान के सिर को कुछ बार चाट ले तो उसके सिर से बाल उतार लेगा और कुछ ही देर में उसके सिर का मांस दिखने लगेगा। टाइगर्स जब शिकार करने के लिए घात लगाते हैं तो ये जमीन पर ज्यादा से ज्यादा नीचे की ओर रहते हैं ताकि इनकी भनक जल्दी से किसी को ना लग जाए और इन्हें अपने प्रे के पीछे ज्यादा भागना ना पड़े। इस क्लिप में टाइगर अपनी इस घात लगाने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से एक हिरण के बच्चे को शिकार कर लेता है। टाइगर्स के शिकार करने की टेक्निक में एक चीज ये भी शामिल है कि अपने प्रे को गला घोटकर या गले पर काटकर मार देती हैं। टाइगर्स को ऐसा करने में भले ही थोड़ा ज्यादा समय और थोड़ी मेहनत लगती हो, लेकिन एक बार जब उनका प्रे मर जाता है तो वो सुकून से अपना खाना एंजॉय करते हैं। यहाँ एक टाइगर एक बेयर को मारने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। लियोपर्ड सील। लियोपर्ड सील पेंगुइन का शिकार करने में माहिर होती हैं और इसी कारण लियोपर्ड सील पेंगुइन के सबसे बड़े खतरे के रूप में देखे जाती हैं। पेंगुइन का साइज लगभग 4 फीट और लियोपर्ड सील का साइज लगभग 13 फीट होता है और इसी वजह से ये पेंगुइन के मुकाबले ज्यादा तेजी से स्विम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी ताकत बचाने के लिए पेंगुइन को घात लगाकर मारना पसंद करते हैं। इस क्लिप में लियोपर्ड सील एक पेंगुइन का पीछा करता है और फिर उसे अचानक से दबोचकर अपना खाना बना लेता है। लियोपर्ड सील पेंगुइन को मारने के लिए अलग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये पहले पेंगुइन को अपने जॉ से कसकर पकड़ता है और फिर उसके पूरे शरीर को इतना शेक करता है कि पेंगुइन दम तोड़ देती है। इसके अलावा लियोपर्ड सील अक्सर शिकार के लिए पेंगुइन के झुंड पर अटैक करते हैं ताकि कोई ना कोई पेंगुइन उसके हाथ जरूर लग जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही ऐसी और भी मजेदार वाइल्ड लाइफ वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।